मेरे फ्रेंड मेरे साथ आए, वो बोल नहीं पाते हैं, हाँ। उनके बदले मैं पूछ रहा हूँ। कौन है आपके फ्रेंड? है नाम, वो नाम बताने से मना कर रहे हैं। मैं उनके बदले पूछ रहा हूँ। उनका हाँ। कहना है, जैसे आपने छठवीं साथी के बारे में उन्होंने बोला, हाँ। तो छठवीं साथी का बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, हाँ। स्कूल जाना में उसको दुख लगता है, हाँ। उसके बाद भी हम जबरदस्ती भेजते हैं, हाँ। तो फिर यहाँ पर कैसे ये सुख दुख की परिभाषा को डिफाइन करेंगे? चलो, लाश का मतलब दुखी ना होना भी है, क्योंकि आज घर में झगड़ा नहीं हुआ, आज का दिन अच्छा नहीं कर गया, तो अभी हमारे लिए दुख का ना होना भी सुख जैसा भासता है। तो ये समझ में आया। अब बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? पढ़ना नहीं चाहता। देखो, ये हमारे घरों की, मेरे को लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में बड़ा कारण बच्चे की एजुकेशन होता है अधिकांश घरों में, क्योंकि पत्नी को लगता है कि जब तक वो IAS नहीं बन जाए तब तक बाप उसको छोड़े मत, और बाप पहले से ही एजुकेशन से तंग आया रहता है, वो क्या लगता है यार ट्यूशन पढ़ा दे मेरी जान बन दे। तो पति पत्नियों में, अक्सर परिवारों में एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन एक बड़ा कारण होता है। तो अब यदि देखें तो बच्चा नहीं पढ़ता है। देखो, ये भी एक सोचने की बात है कि हमारे समाज में एक बच्चे को जब तक वो स्कूल कॉलेज में है, सबसे अधिक सम्मान का आधार क्या होता है? मार्क्स लेके आएगा, तो मार्क्स लाएगा तो सबसे अधिक सम्मान उसको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कौन बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि सम्मान तो सभी चाहते हैं और सम्मान मार्क्स के साथ जुड़ गया, तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ता नहीं, क्यों नहीं पढ़ता है? क्या निष्कर्ष आएगा? उसे मार्क्स की इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है। यदि मार्क्स सम्मान के साथ जुड़ गया तो सम्मान को इग्नोर नहीं कर सकता है, इसलिए मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि उसकी खुशी और किसी चीज में ज्यादा है। क्योंकि सीधा मतलब ये समझने आया कि आप उसके बारे में क्यों सोचें, अपने बारे में क्यों ना सोचें? मैं क्या करता हूँ? मैं भी वही करता हूँ जो मेरे लिए सुखदाई है। इसका मतलब है कि बच्चे के लिए पढ़ाई सुखदाई प्रोसेस नहीं है। यदि बच्चे के लिए पढ़ाई सुखदाई प्रोसेस नहीं है, ऐसा माँ बाप को स्वीकार होता है, ऐसा टीचर को स्वीकार होता है, तो वो कैसा व्यवहार करेगा? और यदि ये स्पष्टता उसमें नहीं है तो वो कैसा व्यवहार करेगा? तो देखो, हम कब इरिटेट होते हैं, कब हम परेशान होते हैं? मैं सामान्य एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को 1 लाख की ज़रूरत है और मैं आपसे मांगने आता हूँ। आपसे बात करके ये पता चलता है कि आपके देने का मन तो है पर आपकी देने की स्थिति नहीं है, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में मैं दूसरे से मांगने जाता हूँ तो पता चल, बात करके निष्कर्ष मेरे अंदर ऐसा आ जाता है तो सही पर आदमी का देने का मन नहीं। दोनों स्थितियों में रिजल्ट एक जैसा है, पैसा नहीं मिला। लेकिन मैं कहाँ दुखी होता हूँ, कहाँ दुखी नहीं होता हूँ, है ना? तो मैं वस्तु के मिलने से दुखी नहीं हुआ, लेकिन मैं भाव के ना मिलने से दुखी होता हूँ। ये बात पहुंची? मैं वस्तु के ना मिलने से दुखी नहीं हुआ, लेकिन भाव के ना मिलने से दुखी होता हूँ। भाव के ना मिलने का मतलब है कि जहाँ मेरी अपेक्षा है वो अपेक्षा टूटती है तो मैं दुखी होता हूँ। तो मेरे घर में एक मानसिक रूप से रिटार्डेड बच्चा है, मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा नहीं है, मतलब बच्चे का मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं। क्या मैं उससे ही उम्मीद करता हूँ कि क्लास में टॉप करेगा? क्या मैं उसके पीछे पढ़ता हूँ, उसको परेशान करता हूँ? नहीं करता। इसका मतलब है कि उससे मेरे को ये अपेक्षा ही नहीं है कि वो करेगा। लेकिन मेरे बच्चे से मेरा बच्चा स्वस्थ है तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये कर सकता है और नहीं कर रहा है। इस मान्यता के साथ ही मैं दूसरे पे दबाव देता हूँ कि कर सकता है और नहीं कर रहा है, और मैं इसको पुश करूँ। यदि मेरी ये स्वीकृति है कि ये नहीं कर सकता है तो मैं पुश नहीं करूँगा। बिना ये समझे बिना ये समझे
कि वो जीवन उसके मानव के रूप में मेरी समझ नहीं है। यदि मानव के रूप में मेरी समझ होती तो मेरे को ये समझ में आता कि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है। यदि कोई चीज में उसको सुख नहीं मिलता है तो उस काम में वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। ऐसी मेरी क्लैरिटी नहीं है और मेरे को लगता है कि नहीं पड़ेगा नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं मार मार के जिंदगी खराब कर देता हूँ। मैं ऐसे बच्चों से, आज वो बच्चे नहीं हैं हमारे साथ हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम को कट करके आया कि मैं पापा को फेल होके दिखाऊंगा, तुम कर लो कोशिश और मैं तुमको फेल होके दिखाऊंगा, जबकि वो बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट। वो जब 11th क्लास में है तब वो 9th क्लास के बच्चों को कोचिंग देता है। जब वो 10th में आया तो पापा ने उसका खेलना कूदना बंद कर दिया, तुम बस अब बैठे रहो, 2 साल हिलना नहीं है, और उसके क्लास के उसके लड़के से बाहर उनको जब देखता था, किताब लेके बैठा रहता था और अपने अपने पापा से नाराज होते रहता था। 2 साल यही प्रोसेस चला और कुछ मारपीट भी कभी कभी हो जाते थे, गाली गलौज भी कभी कभी हो जाते थे, तो इतनी प्रतिक्रिया में चला गया, लो तुम कुछ भी कर लो मैं तुमको फेल होके दिखाऊंगा, और उसने 10th बोर्ड फेल होके दिखाया। मैं ऐसी लड़कियों से मिला जो योजनाबद्ध तरीके से अपने माँ बाप को दुखी करने की योजना बनाती थी और उसको एग्जीक्यूट करती थी कि तुम दुखी होगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम मेरे को कैसे दुख देते हो। अब कौन सही है कोई गलत है इसकी चर्चा मत करो, लेकिन घटना ऐसे हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि हमको ये क्लैरिटी बनती है कि बच्चा, हर बच्चा पढ़ना ही चाहता है क्योंकि मार्क्स सम्मान के साथ में जुड़ा है, यदि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है या कम पढ़ता है, इसका मतलब है उसके लिए पढ़ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँगा, है ना। वो बच्ची मेरे को अभी ब्रेक के दौरान बोल रही थी, मैं ड्राइंग भी बनाती रहती हूँ, आपको सुनती भी रहती हूँ। हाँ, उसको लग रहा है ये कुछ इम्पोर्टेंट काम हो रहा है तो मैं भी इसमें शामिल हूँ, ऐसा नहीं समझो कि मैं ड्राइंग बना रही हूँ। आदमी इतना अपना प्रेजेंस रजिस्टर करना चाहता है, इसका मतलब है कि कोई इतना बड़ा कारवां चल रहा है पढ़ाई का और मैं उसमें पीछे रह जाऊँ, ये किसी को स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद भी वो रहता है, उसका दुख उसके मन में पहले से ही है, उसको और गाली देने की जरूरत नहीं है, उसको और डांटने की जरूरत नहीं है, उसके साथ बैठ के प्यार से बात करने की जरूरत है कि तुम्हारे मन की स्थिति कैसी है, तुमको कैसा लगता है, अब इसमें क्या सपोर्ट किया जाए, टीचर बदला जाए, स्कूल बदला जाए, हम मेहनत करें, कुछ और करें, और सारे IAS बनने के लिए नहीं बने हैं, और जो IAS बन गए उन्होंने भी कोई उद्धार कर दिया, ऐसा हुआ नहीं। तो हर बच्चे की अपनी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया को जितना पुश कर सकते हैं, जितना उसको सहयोग दे सकते हैं उतना सहयोग दिया जाए, ऐसा वातावरण बना के रखेंगे तो पढ़ाई भी बचेगी, संबंध भी बचेगा, नहीं तो ना पढ़ाई बचेगी ना संबंध बचेगा। वो जमाना गया जब बच्चे मारपीट या गाली गलौज या उल्टे सीधे कमेंट स्वीकार कर लेते थे और नाराज नहीं होते थे और फिर भी कुछ पढ़ लेते थे, वो जमाना चला गया, अब नहीं चलेगा, अब बिल्कुल चेंज है। तो इसका मतलब ये है, इन तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान से देखिए, इतनी छोटी सी बात है ना कि मानव जो कुछ करता है सुखी होने के लिए करता है। अब आप ध्यान दीजिए, अपने घर के सारे रिलेशंस में देखिए, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में देखिए, थोड़ा ठीक से ध्यान दीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपने पति के किसी एक्शन से नाराज हुए हैं, अब यदि उसको नई रोशनी में देखा जाए, पति पत्नी से नाराज हुआ है, पति पत्नी से दोनों एक दूसरे से नाराज हुए हैं, अब उसको यदि इस रोशनी में देखा जाए कि वो अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है, वो मेरे को दुख देने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, क्या लगता है? उन तमाम घटनाओं को छोड़ दीजिए जहां मारपीट पे मामला उतर आया है, जहां गाली गलौज पे मामला उतर आया है, वो भी किसी अंतिम प्रतिक्रिया के कारण हुआ है या कोई व्यक्ति
बहुत ड्रिंक करता है, उसमें उसको होश ही नहीं रहता है और वो अपने भीतर की वैश्यत को और कहाँ व्यक्त करेगा। पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा भी है जहाँ हम जमाने की सारी कुंठा को एक दूसरे पे व्यक्त करते हैं। मेरे भीतर कोई घुटन है, कोई भड़ास है, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, मैं किसी दूसरे को बोलूंगा तो नाराज ही हो जाएगा ना, वो दोबारा जिंदगी में बात ही नहीं करेगा। तो पति पत्नी एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे मेरे को पता है कि कुछ भी कहने से रिश्ता तो बना रहेगा, तो एक दूसरे के लिए वो सस्पेंशन भी है कि एक दूसरे की भड़ास निकल गई, कहीं की भड़ास भी आपके ऊपर निकल जाएगी। एक दूसरे की वो भी स्थिति है, कहा किसी दूसरे ने था लेकिन वो पत्नी को बोल के पत्नी शांत हो गई, पति ने पत्नी को बोल दिया, वो भी थोड़ा सा रिलीज हो गया। तो मेरे को लगता है कि पति पत्नी वो भी जगह है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि कितनी बार ऐसा होता है, यदि इस रोशनी में पति पत्नी के सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान दिया जाएगा, और कितनी बार ये निष्कर्ष आता है कि सामने वाला जो कुछ भी कर रहा था वो देर से आया, उसने कुछ और कुछ किया, वो खाने के समय बिना बताए किसी दोस्त को ले आया, उसने और कुछ किया, उसने जो कुछ भी किया वो अपने सुखी होने के अर्थ में किया, मुझको दुखी करने के लिए नहीं किया, लेकिन मेरी कंडीशनिंग के कारण मैं उसमें दुखी हुआ। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपकी मान्यता है कि बच्चे को सुबह जल्दी उठ के अपना बिस्तर तय करना चाहिए, और आपका बच्चा देर से उठता है और कमरा अस्त व्यस्त छोड़ के निकल जाता है, और अक्सर परिवारों में इन बातों पे थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहस हो सकती है। अब बताइए कि बच्चे का देर से सोना, देर से उठना, क्या वो ऐसे प्लानिंग करके सोता है कि आज देर से उठूंगा और मम्मी दुखी होएगी और मजा आएगा, ऐसा करता है? या मैं देर से उठूंगा पापा दुखी होएंगे और मजा आएगा, ऐसा नहीं करता। उसको अपनी किसी हैबिट के कारण या समाज में जैसा भी चलन आ गया है, या देर तक पढ़ना है, या देर तक कुछ और वीडियो देखना है, जो भी करता है वो देर से सोता है तो देर से ही उठेगा। तो उसके अपने सुखी होने के क्रम में जो भी उसकी मानसिकता है उसमें वो देर से उठता है, और कपड़े घड़ी करना, रूम व्यवस्थित करना उसके सुखी होने के डिज़ाइन में नहीं आता है, तो वो छोड़ देता है और छोड़ के निकल देता है, गीला तौलिया कहीं रख देता है ना। तो इतने में हमारा मामला आर पार हो जाता है ना, कि तुमने गीला तौलिया रख दिया, तुमने अपनी चड्डी नहीं सुखाई, तुमने बिस्तर की तय नहीं बनाई, तुम देर से उठते हो और वो देर से उठता है, अब जवान बच्चा है, बोलेंगे तो डांट देगा, गुस्सा हो जाएगा, तो कभी हम किचन में बर्तन गिरा देते हैं, कभी हम गेट खटका के आ जाते हैं, है ना, कभी उसके कमरे में जाके ऊंचे ऊंचे बात करने लगते हैं ताकि उसका ध्यान चला जाए, और बच्चा भी समझ रहा होता है ये मेरे लिए किया जा रहा है। ठीक, इन तमाम गतिविधियों में क्या बच्चा ये तय करता है कि आपको दुखी करना है इसलिए मेरे को कुछ करना है, या वो अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है लेकिन मेरी कंडीशनिंग के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, इसको 6 बजे उठना था, 10 बजे तक उठता है, अब नाश्ते का क्या होगा, है ना, और मेरे को सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता है। तो बताइए घर में कितनी सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आपकी सास ऊँची आवाज़ में बात करती है, या आपकी सास बार बार वही घटनाएँ सुनाती है जो पहले से सुनाती आई है, और आपको उन घटनाओं को सुनना अच्छा नहीं लगता है, या आपकी सास हो सकता है छोटी बहू को ज़्यादा प्यार करती है ना, वो देख के आपको ख़राब लगता है, तो ऐसी तमाम घटनाएं हो सकती हैं। इन सारी घटनाओं को इस आईने से यदि देखा जाएगा कि सामने वाला जो कुछ कर रहा है उसकी अपनी कंडीशनिंग से अपने सुखी होने के लिए कुछ कर रहा है, मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहा है, यदि ऐसा आपका ध्यान चला जाएगा तो आपके परिवार में घटने वाली कितनी घटनाएं हैं जिसमें अभी आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोज 50 बार दुखी होते हो, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? इतना भी हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातें भी हमको जिंदगी के बारे में पता नहीं है। तो
मेरे को बड़ा कारण ये लगता है कि अभी हमारी जिंदगी का सुख अपने आप में है ही नहीं। मेरा सुख मेरे पति में बसता है, मेरा सुख मेरे बच्चे में बसता है, मेरा सुख मेरी सास में है, ससुर में है, किचन में है, घर में है, पर्दे में है, ड्राइंग रूम में है, टीवी में है, मेरा सुख तमाम चीज़ों में है। मेरे पास मेरे सुख का नियंत्रण नहीं है। इनमें से कोई भी हिलता है तो मेरा सुख हिलता है। भैया जी, मैंने हमारी एक आंटी थी, उसने पोछा लगाया और उसमें आपने पैर रख दिया, तो भाई साहब पोछे में पैर नहीं रखा है, आपने अपनी कब्र में पैर रख दिया। उसके बाद क्या क्या सुनना पड़ सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे ने क्या हो रहा है, कोई दूसरा माइक ऑन है क्या? बच्चे ने ग्लास तोड़ा, आपने उसका कान तोड़ दिया, किसे नुकसान ज्यादा बड़ा किया? उसने भौतिक वस्तु तोड़ी, आपने संबंध तोड़ा। ग्लास टूटता और आप कुछ ना कहते तो उसका ध्यान जाता कि मुझसे गलती हुई है। आपने उसका कान तोड़ दिया, ग्लास तो बीच में कहीं गायब हो गया, वो कह रहा है इतना ही संबंध था क्या? तो उसका ध्यान अपनी गलती से शिफ्ट होके आपकी गलती पे आ गया। तो कितने लोग हैं जो इस पूरी बात को सुन के अपनी जिंदगी में अपने घर की कोई घटना सुना सकते हैं कि हाँ यदि ये समझ रही होती तो इसको ऐसे ठीक किया जा सकता था। बोलिए। तो जो मुझे लगता था, ये ऐसे होता है, मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ हर चीज में मुझे ठोक रहा है। पिछले 15 सालों से ऐसा चल रहा था। पिछले अगस्त शिविर में आपके भालूगढ़ में आया था। कहाँ? भालूगढ़ में आया। जी हाँ। अच्छा, आपने जो ये कहा ना चित्त का, जो चित्त में जो भरा हुआ है, तो उसमें मेरे जो चित्त में अघोषित दबाव था कि सब कुछ उसके नाम पे चलता है, मैंने जो कुछ किया मेरे को कुछ नहीं मिलता है, मेरे को कोई क्रेडिट करता ही नहीं है। तो जबकि वो मेरे बाद में आया बिजनेस में, सारे बिजनेस के सेटअप का नींव का आधार मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सब वाहवाही उसकी होती है, जिसके कारण मुझे लगता है कि उसमें एक अहंकार भी आ गया है। उस अहंकार के चलते मुझे हर जगह वो टोकता है कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। उसके बाद भी मुझे लगता है कि अगर मैं इसको वापस जवाब दे दूंगा तो जो हम चार भाई एक साथ रहते हैं कहीं बंटवारा ना हो जाए। बंटवारा मैं चाहता नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि बंटवारा एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके चलते 15 साल से मुझे लग रहा था कि नहीं यार क्या कर सकते हैं, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, पिछले 15 दिन पहले जो काम 15 साल से मैं नहीं कर पाया, अभी हम किसी और से पार्टनरशिप हुए हैं, तो मेरा भाई उसके साथ भी यही बर्ताव करता था, बार बार टोकना ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि वो सही है। हाँ। उसे लगता है सिर्फ मैं ही सही हूँ। हाँ। बाकी सब बेवकूफ है। तो मेरे पार्टनर ने 15 दिन पहले आके घर में आके बोला, भैया मैं हाथ जोड़ा, आपको लगता है कि मेरा काम सही नहीं है, आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो उस दिन मेरे भाई ने ये कहा कि कल से मैं आपके बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। 15 साल की जो घुटन थी 15 दिन पहले मेरे को एकदम क्लियर हो गई। लेकिन आज जो समझता हूँ, 15 साल में जो मैं दुखी हुआ वो दुख सिर्फ मेरे कारण था। वो तो सबको सुखी करना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में वो लगता था कि नहीं बिजनेस में अच्छा कर रहा हूँ। हाँ। और रिजल्ट भी अच्छा था उसका। हाँ। मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता था कंपेयर टू हिम। तो वो अपने सुख के लिए करता था, लेकिन उस मैं ये समझ नहीं पाता था कि वो अपने सुख के लिए कर रहा है। मुझे लगता था वो मुझे दुखी करने के लिए कर रहा है। आज मेरे को एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए करता था, लेकिन मैं बेवजह दुखी होता था। ये आज मेरे को एकदम स्पष्ट हो गया। बहुत बढ़िया। जिसमें कि मैं बिजनेस को बढ़िया आगे बढ़ा सकता हूँ। दूसरा एक मेरा स्किल वो है, दूसरी मेरी एक भाव और विचार की स्थिति है। अभी हमारे पास स्थिति ये है कि हमारे पास केवल जिंदा रहने का ज्ञान है। तो जो जिंदा रहने वाले भाग में ज़्यादा आगे है, परिवार भी उसको अप्रिशिएट करता है, वो भी अपने अहंकार में चला जाता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, चार भाइयों में से जो ज़्यादा पैसे कमाएगा वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। जो बहू, हमारे यहाँ दहेज की प्रथा है नॉर्थ इंडिया में, जो बहू ज़्यादा दहेज लाएगी उसको कुछ बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये खून के रिश्तों की ये हालत है, समाज की क्या बात करो, है ना।
तो इवन घर के बड़े लोगों का व्यवहार भी बदलता है, पैसे को देख के बदलता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम उसी वातावरण में जैसे मैं ही मेरे परिवार में एक व्यक्ति हूँ जिसने जिंदगी भर पैसा नहीं कमाया, ठीक, और मेरे परिवार में भी आकलन तो वही है पैसे के आधार पे होता है, तो मेरे जॉइंट फैमिली के लोग और मेरे मित्र मेरे को किस निगाह से देखते हैं इससे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उनमें कोई भी बैठ के मेरे से बात कर सके ऐसी उनकी हिम्मत नहीं, जबकि मैं पैसा नहीं कमाता, जबकि उनको ये भी नहीं पता है कि ये इस टाइप का कुछ काम करता है। भाई तो इसका भी प्रभाव बन जाता है ना, जो आदमी देखता है ये इतनी बड़ी सभा चलाता है, ऐसे बात करता है, तो फिर मार्केटिंग कुछ अलग टाइप का हो गया। उनमें से आधों को ये भी नहीं पता है कि ये ऐसा कुछ करता है, उसके बावजूद भी मेरे से बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं आपकी जगह होता तो मैं ये बताता, जब मेरा भाव और विचार स्थिर होता है और वो दूसरे से प्रभावित नहीं होता है और वो जिंदा रहने को सब कुछ नहीं मानता है, और भाव और विचार में कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज़ होती है और अपने में कोई सॉल्यूशन नाम की चीज़ होती है, तो ये बिल्कुल संभव है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी इतनी ही रुचि है, तो तुम मुझसे बेहतर करते हो ये मेरे को स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे बेहतर करने के आधार पे तुम मेरे को इस भाषा में बात करो जो मेरे को अपमानजनक लगे, क्या ये तुमको स्वीकार होगा? अभी स्थिति ये होती है कि भाव विचार की स्टेबिलिटी में की स्टेबिलिटी ना होने के कारण हम भी दूसरे को ये माने रहते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, क्योंकि उस मामले में तो वो बेहतर है ही है, लेकिन यदि मैं भाव और विचार में बेहतर होऊंगा तो मैं स्किल के मामले में दूसरे के बेहतर होने के बावजूद भी उसके प्रेशर में नहीं आऊंगा, उसको एप्रिशिएट करूंगा, उसको एप्रिशिएट करने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा और मैं अपने में मेरे बड़प्पन के साथ बने रहूंगा, और यदि कोई मेरे प्रभाव मेरे कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा तो मैं प्यार से बैठ के बता ही सकता हूँ, देखो यहाँ तक ठीक लगता है, यहाँ के बाद जो करते हो वो सही दिशा में नहीं जाएगा। तो अपनी बात को बिना गुस्से में आए, बिना आवेशित हुए दूसरे को कैसे कन्वे किया जा सकता है, ये तब संभव है जब मेरे भीतर मेरा स्व मूल्यांकन खराब स्थिति में नहीं है, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं आपसे इससे जुड़ी हुई मेरे को लगता है कि मैं घटना शेयर कर सकता हूँ, जैसे जब कॉलेज के बाद करियर की बात शुरू होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, कोई अभी MBA के लिए कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह, मेरे को ये कैलकुलेशन में रुचि नहीं है, मेरे को आज भी आप नोट की गड्डी दे दोगे ना गिनने के लिए तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे हाथ में क्या दे दिया, मैं वो गड्डी मेरे से गिनना नहीं हो पाएगा, तो मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई रुचि नहीं आती। अब ये MBA वगैरह का एग्जाम देना है तो उसमें सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैं मेरे साथ के जो हमारा टॉपर था, वो मेरा दोस्त था, तो मैं उसको बता देता था देख ऐसे ऐसे करने से ये हो जाएगा, अब मैं उतना कलम घिसूं ये मेरे से नहीं होगा, तो उसके मार्क्स ज़्यादा आते थे मेरे कम आते थे। अब प्रैक्टिस भी तो कोई चीज़ है ना, एग्जाम में तो आपको 3 घंटे में उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पता है कि ये हो जाएगा पर करना तो है ना, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसे हो जाएगा पर मैं करूँगा नहीं, तो मेरे उतनी देर में 4 क्वेश्चन होंगे, उसके देर में 6 क्वेश्चन होंगे, ऐसे चलता था। तो मैं ये कोई पॉइंट पे मैं ये मानना लगा कि मेरी ये एबिलिटी बहुत कम है और इस मामले में मैं कमजोर आ गया। धीरे से फिर जिंदगी बदली और इस दिशा में आ गया। तो आज मैं सोचता हूँ कि जिस एरिया में आदमी का इंटरेस्ट नहीं है उस एरिया में वो ध्यान नहीं देता है। तो मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उधर ध्यान नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी योग्यता में कमी है, मैं ध्यान दूंगा तो कर दूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, मन नहीं करता है तो मैं ध्यान देता हूँ। जैसे मेरे को पास्ट की घटनाएं कुछ भी याद नहीं रहती। आप मेरे को पूछोगे पिछले महीने मैं कहाँ था, अब मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ था, पीछे का बिल्कुल वाइप आउट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि मेरा ध्यान नहीं है, जो हो गया आगे बढ़ो। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का एक माइंडसेट है। अब एजुकेशन में जैसे आप ही जब शिविर करते हो, आप में से बहुत सारे लोगों को सुनने से समझने का काम में रुचि होती है।
कई लोगों को लिखने बिना उनको समझने का काम नहीं होता है। तो ये अपना अपना डिजाइन है, कुछ लोग लिख के समझेंगे, कुछ लोग सुन के समझेंगे। अब इसमें दोनों ही गलत नहीं है। कुछ लोगों को रटने की बिल्कुल आदत नहीं है, खासकर अभी के बच्चों में ये ट्रेंड दिखाई देता है। वो कहते हैं ये रटने का काम मुझे, लिखने का रटने का ये क्यों करवा रहे हो, बार बार वही वही बात क्यों लिखवाते हो। छोटा बच्चा बोलता है ना, बिल्कुल क्लास टू का बच्चा बोलता है, लिख तो दिया एक बार और कितनी बार नहीं, टीचर बोलती है चार बार लिख के लाओ, चार बार क्यों लिखना है, मैंने लिख दिया ना एक बार। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस क्रिया में, जिस एक्टिविटी में आदमी, जो उसके लिए सुखदायी नहीं है, उसका मन उसमें नहीं जाता है, उसमें वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो मेरे को बिजनेस में डालोगे तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन उस काम में नहीं है। मेरे को इस काम में डालोगे तो मैं परफॉर्म करूंगा। तो इसका मतलब ये समझना होगा कि हर बच्चे का इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पढ़ाई सबके लिए समान रूप से इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो ये पहचानने के बाद कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर हो सकता है, तो हो सकता है कि हम अनावश्यक गलतियां नहीं करेंगे। नहीं तो सूत्र है, हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। जब तक मेरी समझ नहीं है, जिसको मैं ठीक मानता हूँ, पढ़ाई करने से ही जीवन सफल होगा, इस चक्कर में मैंने अपने घर का माहौल सत्यानाश कर लिया। जबकि वो कम पढ़ता तो भी कुछ ठीक कर ही लेता। और ऐसा जरूरी नहीं है जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको, बिल्कुल कॉमनली ऐसे ज़्यादा मिलेंगे जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, वो जिंदगी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर चाहे बिजनेस में परफॉर्म करेंगे, कहीं और परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि इतनी सी बात क्या कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है। सामने वाला व्यक्ति, मेरी सास है कि मेरा पति है कि मेरा पिता है, वो जो कुछ भी करता है अपनी आदतों के चलते, अपने सुखी होने के क्रम में उसने कोई डिजाइन बना रखा है। वो मेरे को दुखी करने के लिए ऐसा नहीं करता है। जैसे ये निष्कर्ष आता है कि वो मेरे को दुखी करने के लिए नहीं करता है, तुरंत मैं आराम में आ जाता हूँ। मैं ज्यादा परेशान कब होता हूँ? जब मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहा है, तो मेरा अस्तित्व है कि नहीं है। जब मेरा अस्तित्व खतरे में आता है तब मैं बिलबिला उठता हूँ, तब मैं रिएक्ट करता हूँ पूरी तरह से। तो यदि मेरे को ये लगता है, मैं ये देख पाता हूँ कि अपनी आदत की वजह से ऐसा करता है, और यदि मेरे भाव और विचार की स्थिति ठीक है, तो उसको पॉजिटिवली हैंडल किया जा सकता है, बैठ के बात की जा सकती है। अभी जब अपने कॉन्फिडेंस में कमी होती है तो हमको बैठ के बात करना नहीं आता है, हमको बात करने से भी डर लगता है कहीं स्थिति और खराब मत हो जाए, तो हम बात नहीं करते। बात करना कब आता है? जब हमारा भाव और विचार का स्थिति मजबूत होता है। जब स्वयं में विश्वास की कमी रहती है, हमको बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर हम या तो हम रिएक्ट करते हैं या हम पीते रहते हैं। जी बोलते हैं लेकिन वो अपनी ही मस्ती में नहीं करते हैं। सो बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए, या अगर वो नहीं करते हैं तो उसको किस तरह से? तो बता रहा हूँ कि चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे, कि विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेंगे? विचार लाइन में। और जब तक विचार लाइन में लगे नहीं लगे तब तक क्या करें? विचार में लाइन में लगाने का प्रयास करेंगे। चप्पल लगाने से कुछ नहीं होगा, प्रतिक्रिया आएगी। मेरे घर में मेरा बच्चा अभी तक तय नहीं बनाया चादर के उठ के, अब उसकी शादी हो गई, अब पत्नी बनाती है, मैं खुश होकर बनाता हूँ। मेरा बच्चा यार उसकी तय भी नहीं बनाऊंगा तो क्या मतलब, काय का बच्चा है? मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ, उसकी उसकी तय चादर की तय बनाता हूँ, मेरे को बड़ा प्यार आता है उस पर। धीरे धीरे हमारा प्यार का सरोवर सूख गया है। हाँ, वो जब शादी के पहले प्यार रहता तो क्या क्या करते हो? बिना बोले लगता है, कुछ कहा क्या, कुछ कर दूं उसके लिए। अब वो चक्कर की तैयारी बनाता है, उस पर नाराज होते हैं। वो कब सीखेगा? जब आप सिखा पाओगे, आप सिखा नहीं पा रहे हो। सिखाना ऐसे है कि उसके भाव और विचार कैसे ठीक होंगे,
उसको समझ में आ जाए कि मेरे सुखी होने के लिए मेरा रूम व्यवस्थित रहना मेरी जरूरत है, उस दिन वो कर लेगा। जब तक नहीं करे तब तक इंतजार रहो और अपनी असफलता को स्वीकार करो। हम नहीं सिखा पा रहे, और आप भी ऐसा बहुत कुछ करती होगी जो ठीक नहीं करती होगी, आपको कौन सिखाए। तो बच्चों को भी लगता है कोई हो तो उनको भी डटवाओ, इनको डांटने वाला कोई नहीं है, हमको डांटते रहते हैं। हाँ उधर बाजू में बैठी है, उधर दर्द भरा है। हम माँ बाप अपने चलाते हैं, अपने टाइम से उठेंगे, अपने टाइम से सोएंगे, अपने मन का टीवी सीरियल देखेंगे, अपने मन का जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, और बच्चा हमारे अनुसार चलेगा। मैं मेरे अनुसार चलूंगा, पति मेरे अनुसार चलेगा। पति भी यही सोच रहे हैं मैं मेरे अनुसार चलूंगा, पत्नी और बच्चे मेरे अनुसार चले। जब तुम अपने अनुसार चलो यार, वो भी अपने अनुसार चलेगा, स्वीकार करो। चादर तो घड़ी हो गई, वो संबंध घड़ी हो गया, इस बीच में संबंध ही नहीं बचा। इतनी बार हमने टोका, इतनी बार गंदे कमेंट किए, इतनी बार खराब बोला, है ना। वो हमको लग रहा है, एक छोटा अग्रवाल फैमिली का छोटा बच्चा था शिविर में, शिविर के दौरान अचानक बोलता, अंकल अंकल मेरे को लगता है मेरे पापा मेरे को प्यार नहीं करते। पूछा यार क्यों प्यार, तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो बोलता है जब भी जाता हूँ बोलते हैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा बाद में बात करते हैं। अब ये भाषा हम कितनी बार प्रयोग नहीं करते हैं अपने घरों में, बहुत कॉमन है। तो कब आपकी किस भाषा से, कब आपके किस कमेंट से संबंध ही वाइंड अप हो गया है? आप चंदर की घड़ी कराते रहो, उधर संबंध वाइंड अप हो गया। कितना इरिटेट होते हो, कभी पढ़ाई को लेके इतना इरिटेट हो जाते हो, कभी किसी व्यवहार को लेके इतना इरिटेट हो जाते हो, है ना। बच्चों के वीडियो नहीं आते हैं कि माँ बच्चे को पढ़ा रही है और बच्चा कैसे बेचारा है, पुराने पहले कुछ कुछ वीडियो आते थे, उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है भाई, है ना। क्लास सिक्स के बच्चे कहती है मामा 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, मैं जीना चाहती हूँ। ये सब दिल्ली का हाल बता रहा हूँ आपको, टीचर्स के लगातार हस्तक्षेप है। हम लोगों के पास अपनी जिंदगी नहीं है तो हम एक दूसरे की जिंदगी में निरंतर हस्तक्षेप का कारण बने हुए हैं, और जिनके पास अपना कुछ करने को नहीं है वो हमेशा दूसरे का टोका टाकी करता रहे, लगातार टोका टाकी। फिर आपकी किसी अच्छी बात का भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, फिर आप बोलते हो मेरी तो सुनता नहीं है, तुम करो तुम बोलो ना, तो तुम तुम्हारी तो जो होना तो हो ही गया, मेरी इज्जत और खराब। बाप डरता रहता है यार तुम्हारी तो सुनता नहीं है, मेरी भी नहीं सुनेगा। वही चीज जैसे बिजनेस में भी होता है, जैसे बताया कि भाई दो भाई है, एक जना कुछ और संभाल रहा है, एक जना मार्केटिंग संभाल रहा है, एक जना प्रोडक्शन संभाल रहा है, पर उसको प्रोडक्शन पसंद नहीं है, पर प्रोडक्शन भी जानना उसके लिए, बिजनेस के लिए ओनर को जानना सब चीज जरूरी होता है। इंटरेस्ट नहीं है तो भी जानना जरूरी होता है, ठीक है, उतना जान लेगा, बाकी एक आदमी अपॉइंट करो और मिलजुल के कुछ और बेहतर काम करो। क्या है यार किसी जान थोड़ी ले लो, नहीं पसंद है तो उसकी जगह स्टाफ रखो बढ़िया क्वालिफाइड, वो काम करेगा, बाकी देखेंगे, बाकी वो ऊपर ऊपर रहेगा सुपरवाइज करेगी। जिंदगी की क्लैरिटी नहीं है तो हम कुछ भी कहीं भी फिट करते रहते हैं। पहले जिंदगी समझ में आएगी तो जिंदगी की रोशनी में फिर बाकी चीजें फिट होना शुरू होंगी, तो हो सकता है वो ठीक जगह में आके पड़े, हो सकता है मेरी कोई बात अभी आपको सहमत ना होती हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी बात अपनी कम हुई है, धीरे धीरे इसको देखें। जी सर, बच्चे बच्चे को आज हमने छोड़ दिया कि ठीक है तुझे जो पसंद है वो तू कर, लेकिन कल को जाके अगर वो हमें बोलता है कि आपने अगर ये पहले करवाया होता तो अच्छा, ठीक है ना, तो आप बता तो सकते ही हो, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छी चीजों को बताने में क्या बुराई है। भाई सुबह उठ के अपना कमरा साफ रखो, देखो अभी घर में बैठ के आपको बच्चों से चर्चा करना आता नहीं है, हमको या तो काम बताना आता है या खाना खा ले आता है, उठ जा खाना खा ले सो जा ट्यूशन चला जा होमवर्क कर ले, ऐसे कुछ कुछ सेंटेंस हमारे पास है। कब बैठ के आपस में परिवार में मिल के बैठ के चर्चा किया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, है ना, तुमको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या इंपॉर्टेंट लगता है, क्या चीज़ में मन नहीं लगता है, मेरे को ऐसे लगता है, ये लगता है मैं कहाँ चर्चा हो रही है,
हमको लगता है तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काम करो, बैठ के बात क्यों कर रहे हो। चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे कि विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेंगे? विचार अपने लाइन में लग गए क्या? बच्चे लोग हमारे पैर छूते हैं, हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो, कोई दिन कोई बच्चा पूछ दिया तुम सुखी हो क्या? क्या जवाब देंगे? बच्चे ज्यादा लड़ते हैं कि बड़े ज्यादा लड़ते हैं? बड़े चुपड़े चुपड़े खेलते हैं कि बच्चे खेलते हैं? कौन किसको उपदेश दे रहा है? तो हम बड़ों को विद्यार्थी बनने की जरूरत है। हम बड़े शरीर से बड़े हुए हैं, मानसिकता से बड़े होना अभी शेष है। उसका रिजल्ट है, अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया, इसका मतलब आपस में जीना नहीं आया। इसका रिजल्ट है कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। चलिए, क्या निकला इस पूरी चर्चा से? क्या निकला इस पूरी चर्चा से? क्या निकला? मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में दिलाया था। मैं दूसरे, मेरा बेटा देर से उठता है तो मैं उसके देर से उठने के कारण दुखी हूं या मेरी कंडीशनिंग के कारण दुखी हूं? ठीक है, मेरा पति देर से घर में आता है या उसकी कोई और आदत है या पत्नी की कोई आदत है, तो इसका मतलब हमको यह स्वीकारना होगा कि हर कोई मशीन नहीं है, हर कोई मेरे अनुसार चलने के लिए नहीं बना है ना। उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसकी अपनी मान्यताएं हैं, उसकी कुछ अपनी चॉइस है, उसका कोई अपना स्टाइल है और वो ऐसा चलेगा। नहीं, मेरे अनुसार चलना चाहिए। तो मेरे अनुसार नहीं होता है जो जैसा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अनुसार नहीं चलना चाहता हूँ। मैं भी जो जिसको मुझको ठीक लगता है मैं वैसा करना चाहता हूँ। तो क्या हम दूसरे को एक मानव के रूप में देखते हैं कि मेरे अनुसार चलने वाली आइटम के रूप में देखते हैं? मेरे अनुसार से ज्यादा कई बार सही गलत से भी होता सही है। सही गलत को कौन डिसाइड करेगा? अभी सही गलत है कि भाई बच्चा खाना में वो जंक फूड खाता है, वो गलत है। क्या खाता है? जंक फूड खाता है, जंक तो फूड गलत है। तो उसको सही बताना कि जंक फूड का पता उसको कैसे चला था? सब जगह से पता था, स्कूल से भी, बच्चों से भी, दूसरे से भी पता चलता है। ऐसे ही है। तो एक ऐसी सम्मेलन था और उसमें एक बच्चे, एक माँ अपने बच्चे के लिए कंप्लेंट कर रही थी कि मेरा बच्चा बहुत टीवी देखता है और मानता ही नहीं है। तो हमारी धर्मपति थोड़ा कम बोलती है, बिना उससे पूछो जब तक नहीं तब तक बोलती नहीं। तो किसी ने पूछा, बहन जी आप भी कुछ बोलो। तो बहन जी बोले, टीवी कौन लाया था? खेल खत्म। क्या जंक फूड आप नहीं खाते हो? पहली बार खाने कौन गया था? हम करें तो हम बड़े हैं, हम घर में दारू पियेंगे, हम घर में सिगरेट पियेंगे, हम घर में मोबाइल उंगली चलाते रहेंगे, हम घर में चाय पियेंगे। नहीं, तुम बच्चे हो, तुमको चाय नहीं पीना। ये कौन सा नियम होगा? बड़े चाय पियेंगे और बच्चे नहीं पियेंगे, कौन सा नियम है? आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी होटल में होने लगी तो बच्चे की पार्टी होटल में होने लगी, इसमें क्या गलत है? हम एक छोटा स्कूल चलाते हैं, तो एक बार उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी, तो यहाँ पति पत्नी लोग बैठे हैं तो अच्छा रहेगा सुनना, या भाभी पति पत्नी है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बड़ा सेंसिटिव रहते हैं जब केजी वेजी में एडमिशन कराने आते हैं। तो ये हुआ कि हम अपने बच्चों, थोड़ी हम लोग भी थोड़ी वैल्यू वैल्यू उसकी बात कर देते हैं तो और ज़्यादा अपेक्षा बढ़ जाती है। तो हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए? तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा बोलने लगे, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। तो एक बोर्ड भर दिया कि हमारे बच्चे कैसे हों कैसे ना हों। जब उस बोर्ड को पढ़ के देखा गया तो पता चला कि जितने महापुरुष धरती में हुए हैं उनमें भी इतने गुण नहीं थे जितने बोर्ड पे लिखवा दिए थे। बोले आप क्या कर रहे? मैं बहुत सिंपल, जितने बोर्ड पे लिखवाए उतने घर में जी लो, बच्चा जी लेगा।
जितने बोर्ड पे लिखवाए हैं इसको घरों में जी लो, आप जी लोगे, आपको देख के बच्चा भी जी लेगा और हम भी कोशिश करेंगे। तो ऐसा है, तो जिंदगी को लेके हमारी कोई गहराई नहीं है, है ना, बस हमारी चाहत है और हमने जिसको ठीक माना, और हम तुम्हारे बाप होते हैं। और बच्चा कहता है बेटा तो मैं भी तुम्हारा ही हूं। तो हर परिवार में बाप बेटे की टसल जारी रहती है, सास बहू की टसल जारी रहती है, उसका मामला केवल इतना ही है कि चलेगी किसकी, ये ईगो प्रॉब्लम है। बहू आने के पहले सास की सत्ता होती है घर में, इधर पिता की सत्ता होती है, बेटा बड़ा हो गया उसमें से अपना हिस्सा मांगता है, युवराज हो गया, कहता मेरा हिस्सा दो, कहता चलेगी तो मेरी, जब तक मैं हूं, कहता बेटा तुम्हारा ही हूं, हिस्सा तो मैं भी लेके रहूंगा। कॉमन है, इसे एक मानसिक समझ में आ रहा है कि चलेगी किसी, इसलिए 50 के बाद सभी पिता घर छोड़ के सामाजिक काम में लग जाए, नहीं तो बच्चे निकाल ही देंगे। अवसर सम्मान निकलना है कि बच्चों के निकालने में निकलना है, इतना ही तय करना है, हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा नया काम, कब तक वही काम करते रहेंगे। हाँ जी, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? हर मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, क्या मैं ऑब्जेक्टिवली एक मानव को मानव के रूप में देख पा रहा हूं कि हाँ वो जो कर रहा है सुख की तलाश में कर रहा है? पहले इसको ऐसा देखा जाए, पहले ये नियम काम कर रहा है, अब घर में जाके सबको केवल ऑब्जर्व करना है, केवल हर आदमी को देखते रहना है कि वो क्या कर रहा है और उसके पीछे क्यों कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हर मानव जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। फिर दूसरा नियम वही है चप्पल वाला, तो यदि कुछ वो ठीक नहीं कर रहा है तो मैं उसको नहीं समझा पाया हूं, वो तो जो माँ के गर्भ से आया था वो तो कोई उठपटांग आदत लेके आया नहीं था, हम नहीं सिखा पाए हैं। तो बताओ, अच्छा चलो, लोग गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? लोग गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? सीखते हैं, हाथ उठाओ, ठीक है। अब देखो ऐसे सब हमारा सॉफ्टवेयर है, एक बच्चे ने अपने परिवार में माँ बाप को लड़ते हुए देखा, भाई भाई का बंटवारा देखा, चाचा ताऊ की चुगली करते हुए माँ बाप को देखा, तो बड़ा होके उसने तमाम गलतियां देखी हैं, अब वो गलतियों से मुक्त हो गया कि नहीं होएगा? उसको गलतियों से मुक्त हो जाना चाहिए, जो लगातार गलतियां देखते हुए आया है, वो उतनी गलतियां करते हैं कि उससे और ज्यादा गलतियां करता है, वो शादी करने से मना कर देता है, तो और बड़ी गलती हो गई, है ना, वो डर के ही भाग जाता है, मैदान ही छोड़ के भाग जाता है, बोले बहुत खतरनाक चीज है ना इसलिए मैदान छोड़ के भाग गया ना। इसका मतलब है वो गलतियों से मुक्त हुआ कि मैदान ही छोड़ के भाग गया? कहां हुआ आदमी गलतियों से मुक्त? यदि मानव गलतियों से मुक्त हुआ होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक भावनात्मक समस्याएं परिवारों में कम होती कि बढ़ती जाती? लगातार मानसिक भावनात्मक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कि कम होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही है। तो मानव गलतियों से नहीं सीखता है, तो मानव सही से सीखता है कि गलतियों से सीखता है? मानव सही से सीखता है। हम दो पैर से इसलिए चले कि हमारे घर में कोई दो पैर से चलता था, उसने मेरे को चलने में सहयोग दिया। मैं खाना खाना इसलिए सीखा कि मेरे घर में कोई खाना खाता था, उसने मुझको खाना खिलाना सिखाया। मैं अपने घर की भाषा इसलिए सीखा कि कोई भाषा बोलता था, उसने मेरे को भाषा सिखाया। इसका मतलब है हम सही से सीखते हैं कि गलतियों से सीखते हैं? कोई एक काम बता दो जो आपने गलती से सीखा हो, कोई एक काम बता दो जो आपने गलती से सीखा हो। जैसे ओवर स्पीडिंग में टिकट मिला है, ओवर स्पीडिंग कर रहा हूं गाड़ी को और पुलिस ने चलान फाड़ी, तो नेक्स्ट टाइम तो मैं वो पैसे नहीं देने हैं, तो वो मेरी गलती से मैंने नहीं सीखा कि मुझे पैसे नहीं देने हैं। हाँ, तो बेसिकली नहीं सीखना नहीं होता है, जिंदगी में सीखना कुछ होता है, गाड़ी चलाना सीखना होता है। वो तो गलती सॉफ्टवेयर पहले से ही करप्ट था, आप
विचार लाइन में नहीं लगाए, चप्पल लाइन में लगाते रह गए और आपस में जूत पत्रम शीर्ष मध्यम दे दनादन चलता रहा। वो काम तो उसको पहले ही आना था, उसको और स्पीडिंग नहीं करनी थी, इसलिए हम नहीं सिखा पाए उस काम। तो सीखना पॉजिटिव चीजों का होता है, सीखना खाना बनाना सीखना है, चलना सीखना है, बोलना सीखना है, गलतियां करना सीखना कहाँ होता है देखा। तो क्या समझ में आया, गलतियों से सीखते हैं कि सही से सीखते हैं? सही से सीखते हैं, और सही हमारे पास है नहीं। मोबाइल पहले से बेहतर हुआ कि खराब हुआ? मोबाइल, टेक्नोलॉजी, कपड़े, सड़कें, मकान, गाड़ियां, संबंध, क्यों भाई? बाकी सब बेहतर हुआ तो ये क्यों खराब हुआ? क्योंकि ये हमको जीना नहीं आता, इसलिए हमारे बच्चों को नहीं आता। गाड़ी का थ्योरी भी था, गाड़ी की फैक्ट्री भी है, गाड़ी रोड पे चलती भी है। संबंध ना घर में दिखाई देता है, ना किताब में दिखाई देता है, ना घर में चलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए संबंध आज तक हमारे लिए अननोन है। ये बात पहुंची? संबंध को जीते हुए बच्चा अपने परिवार के लोगों को नहीं देख पाता है, वो संबंध में टूटते हुए ही देख पाता है, और धीरे धीरे शादी छोड़ के भाग गया है कि ये अपने बस का काम नहीं है, डर के मैदान छोड़ के भाग गया। तो अभी की युवा पीढ़ी में अधिकांश लोग डरपोक हैं, कुछ डरपोक लोग यहां भी आए हैं outdated. I feel that the present generation and the way the marriage is, so all the young people are feeling that this module is not working. Maybe we update it or you don't get into it so that you don't produce children who you are setting bad examples. इसका इतना मतलब हुआ कि हम लोगों को देख के उनका confidence lose हुआ है? Absolutely, yeah, that's what I'm trying to say. So they are in the process of maybe updating. Updating नहीं करना है, उसमें अपडेट कुछ नहीं होना है, उसी को सीखना पड़ेगा। अब बच्चा लेडीज पैदा करती है, पुरुष थोड़ी पैदा करने लगे। इसमें क्या अपडेट कर दो? इसमें कुछ अपडेट नहीं होना है। अब इतना ही हो सकता है कि आप गेज तक चले गए, लेस्बियन तक चले गए, अब आप पशुओं तक जा सकते हैं, और क्या भाई, इतने कॉम्बिनेशन है ना, इससे है नहीं नेचर में, और क्या करोगे? एक डॉल ले आओगे, कुछ और ले आओगे, कुछ और आर्टिफिशियल बना दोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दोगे, है ना, ये सब कर सकते हैं, और क्या, मामला तो उतना ही रहेगा। बट आपको लगता है कि ये जेनरेशन जो है वो डरपोक है, आते रियली तो मैं तो मैं थोड़ा सा उकसाने के लिए बोलता हूँ। जनरेशन बहुत शानदार है, जनरेशन बहुत शानदार है, कमी है तो हम लोगों में, जनरेशन में कोई कमी नहीं, कमी है तो हम लोगों में है। इसलिए तो बार बार मैं बोलता हूँ कि हम लोग को विद्यार्थी हो जाने की जरूरत है। ये जो हमने माँ बाप का तमगा लगा के बड़ा बड़ा, है ना, इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बोलना पड़ेगा भैया हम विद्यार्थी हैं, चलो मिलके ढूंढेंगे। तो अपने बच्चों के दोस्त हो जाने की जरूरत है, और सबको मिलके पूरे परिवार को विद्यार्थी हो जाने की जरूरत है, और मिलके समझने की जरूरत है। जहाँ जहाँ ऐसा परिवारों में हुआ है, परिवार बहुत शानदार चल रहा है, ये संभव है। हाँ जी, चलिए निष्कर्षों की ओर चले। तो देखिए, इस पूरी चर्चा से क्या निकल के आया? एक तो ये निकल के आया पॉइंट नंबर वन, क्या हाँ चप्पल, ये तो याद रहेगा चप्पल। शिविर में जाते समय सबको एक चप्पल गिफ्ट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे कि चप्पल का कुछ नहीं करना है, विचार का कुछ करना है। एक तो ये बहुत क्लैरिटी में आ गया, क्या सबसे पहला पॉइंट क्या था, कि मैंने जो कुछ भी किया है मेरे सुखी होने के लिए किया है, किसी पे एहसान नहीं किया है, किसी के लिए नहीं किया है, इसलिए अति अपेक्षा नहीं, इसलिए अनावश्यक किसी पे दबाव नहीं, इसलिए मैं भी आराम में आ जाऊं, मैं भी सरल हो जाऊं, तो मैं हल्का होता हूं जैसे ही मैं ये स्वीकारता हूं कि मैंने जो कुछ किया है मेरी खुशी के लिए किया है।
कितने लोग सहमत हैं इस बात से? किसी की जिंदगी में सुन के अपनी जिंदगी में कोई हल्कापन आया हो तो बोलो। ये सुनने से हमारी जिंदगी में कोई हल्कापन आया हो और हमको कुछ फील हुआ हो कि हाँ ये एक अच्छा रास्ता है, इससे हमारे अहंकार का भी शमन होता है। ये जो अपने अहंकार को हैंडल करना है ना, अब हमें इतना सारा काम करते हैं देश भर में, तमाम बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, तो इसका मतलब है धीरे समझ में आता है कि भैया जो कर रहा हूँ मेरे सुखी होने के लिए कर रहा हूँ, और ज़्यादा सुखी हो सकूँ इसके लिए कर रहा हूँ, तो किसी पे एहसान नहीं है और कोई झंझट कोई मानता की बात नहीं। ठीक, तो इससे अपने अहंकार को हैंडल कर सकते हो। अनावश्यक दूसरों पे जो भार लादा हुआ था मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, उससे जो अति अपेक्षा पाला हुआ था मैंने इतना किया और तुम भी ऐसा करो, तो ये जो परस्परता में जो बोझा इकट्ठा किया था तो मैं रिलैक्स हो रहा। क्या लिखूँ इसको, भाषा क्या लिखूँ, क्या भाषा दूँ इसको, क्या भाषा बनाऊँ? तनाव मुक्ति, तनाव मुक्ति कहें, अति अपेक्षा कहें, अति अपेक्षा से मुक्ति, अति अपेक्षा से मुक्ति, अपने अहंकार से मुक्ति और अपने में सरल हो जाना, आराम में आ जाना, इस बात की जरूरत है। अनावश्यक हमने बहुत सारे पेज फंसा रखे। दूसरा, जैसे मेरा ध्यान इस बात पे आता है कि दूसरा स्वयं के सुखी होने के लिए कुछ करता है, मुझको दुख देने के लिए नहीं करता, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। यदि भाई कह रहा है कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है तो मेरे को दुख देना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि मेरे ऐसे बताने से बिजनेस और अच्छा हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हो सकता है ऐसी उसकी कामना हो। हाँ जी, इस पर इस बात पे ध्यान चला जाए कि बच्चा यदि बिस्तर की तह नहीं बनाता है, देर से उठता है, तो ऐसा करने से उसका सुख जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। जब तक नहीं करता है तब तक मैं कर देता हूँ, है ना, और कब समझा पाएंगे देखते हैं। और क्या, और आपके ऊपर भक्ति पड़ रहा है, भाई रख लो वो कर देगी, घर का माहौल खराब मत करो, माइक दो। और मुझे उसमें सुख मिलता है तो मैं ही कर लूं, क्योंकि मुझे चाहिए ना बस, तो मैं ही करूं, जब उसको अकल आएगी तब आएगी बस। और अकल में नहीं दे पाई ऐसा रखा जाए ना, उसमें क्यों दोष रखा जाए? नहीं, अकल देने वाले तो हम थे, यस, संसार यस, में तो हम लेके आए थे, यस, अकल देना हमारी जिम्मेदारी थी, यस, आई वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टीच हिम, ऐसा स्वीकार किया जाए तो कितने आराम में रहेंगे। सही है एकदम। आज माइक पीछे, एक माइक पीछे। किसी को दुख होता है अपने काम से और अपने को सुख मिले तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी को दुख होने के लिए भी एक काम करते हैं और अपने को उसमें अपने ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब पहले आपने इतना दुख दिया कि वो आपको ब्याज सहित लौटा रहे हैं, अचानक कोई आपके प्रति प्रतिक्रिया से नहीं भर जाता है, परेशानी क्या हो? इसका मतलब कल तक आपने मेरे को इतने दी है कि मेरा घड़ा भर गया है, अब मैं वापस लौटाने लगा हूँ। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपने ही परिवार में अपने ही परिवार के लोगों के साथ बैठ के हमारा संवाद नहीं होता और हम एक दूसरे के प्रति कितना गुस्से से भर गए हैं हमको वो भी पता नहीं चल रहा है। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उस गलती को स्वीकार कर लूँ, सिंपल है, मैं गलती को स्वीकार कर लेता हूँ तो सामने वाले का रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो आपस में परिवार में बैठ के बात करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, आपस में सिस्टम नहीं, मैं कहूँगा आपस में बात करने की योग्यता नहीं है। योग्यता होती तो बैठ के बात कर लेते। हाँ जी, पीछे कुछ माइक।
कभी हमारा माइंड डाइवर्ट कर ले जो हमें पसंद है। हाँ। क्या ये सही है? वो जैसे, तो जैसे है। घटना बोल के बताओ। सपोज कि मैं कुछ टाइम दुखी हूँ, सपोज मुझे पसंद है कि मैं चलो कोई प्लांटिंग करती हूँ, या फिर मुझे पसंद है कि मैं कुछ नया घर में एक्टिविटी, कुछ नई आर्ट एंड क्राफ्ट है जो भी कुछ है वो करती हूँ, तो क्या एक क्षणिक है माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उसमें तो हमें क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन अंदर तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो अंदर रहता तो है ना माइंड में। हाँ, वो आता है, वो अच्छी बात है, तो ढूंढो कोई चीज जिसमें लगातार अंगेज रहा जा सके। तो बेसिकली मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी का नाम है। इसका मतलब है जिनके पास अपने मन को सही जगह में लगाए रखने की योग्यता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो और वो कुछ ना कुछ ढूंढने से काम चलता नहीं है, उसके करने के बाद लगता है यार फालतू इतना टाइम लगाया, उसकी तृप्ति नहीं आती है जब आप टाइम पास करते हो। बैठ के चुगली चुगली कर लिया, बाद में तो लगता है यार क्यों बेकार किया, उससे कोई आउटपुट तो आया नहीं। तो कोई ना कोई दिन शाम को ऐसा हमारे मन में आता ही है कि आज दिन भर में क्या निकला, और जो उसका आउटपुट आया है उससे हम खुश नहीं हैं। तो इसका मतलब है, सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। तो जब तक हर मानव खुद की नजरों में अपनी उपयोगिता से, अपनी वर्किंग से तृप्ति नहीं पाएगा, उसको खुशी नहीं मिलेगी, दूसरा कोई भी उसको खुशी नहीं दे पाएगा। पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो और पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पत्नी बहुत अच्छी होगी तो क्या करेगी, अच्छा खाना बना भी ले सकती है, जो भी मिलेगा क्षणिक सुख ही मिलेगा, कोई दूसरे व्यक्ति की इतनी कोई हैसियत ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में सुख की निरंतरता दे दे, चाहे वो कितनी अच्छी पत्नी हो, कितनी अच्छा पति हो। क्योंकि मेरा सुख दुख कहां से जुड़ा हुआ है? मेरे भाव और विचार। अब मेरा पति बहुत अच्छा है, अब मेरे भाव और विचार में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है, उसमें पति क्या कर लेगा? मेरे को पड़ोसी की गाड़ी देख के, पड़ोसी की साड़ी देख के है ना द्वेष होता है, जलन होती है, इसमें पति क्या करेगा? या पति को ऐसा होता है, इसमें पत्नी क्या करेगी? तो इसका मतलब है कि 24/7 मेरे भाव और विचार की जो जर्नी है, मेरे भाव और विचार की जर्नी पे मेरा नियंत्रण नहीं है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड हेल्दी नहीं है। यदि हेल्दी नहीं है तो आपको बताएगा कि हेल्दी नहीं है, इसमें दूसरा कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। फिर मैं परेशान ही रहता हूँ, तो फिर मेरे को लगता है कि मैं बच्चे के कारण परेशान हूँ, मैं इस परिस्थिति के कारण परेशान हूँ, जबकि सच्चाई है कि आप खुद के कारण परेशान हो। तो पहले ये भी तय करना है कि मेरे परेशानी का कारण दूसरा है, कि मेरे परेशानी का कारण मेरे भाव और विचार की स्थितियां हैं। इसमें मनोरंजन इसमें भर नहीं पाता है। देखो घर में रहते हैं तो लगता है चलो कहीं घूम के आएंगे, अब चार दिन बाद लगता है घर चलो बहुत हो गया है ना, भाई मसूरी इतना ही अच्छा है तो मसूरी में रहने वाले बहुत खुश रहते ना, भाई स्विट्जरलैंड इतना ही अच्छा है तो वहां रहने वाले लोग बहुत खुश रहते, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कहीं जाके खुशी नहीं मिलेगी, बाकी जितना भी कुछ है अच्छा लगने की सीमा में है, अच्छा लगने की निरंतरता नहीं होती है, इसलिए फिर बेरोजगारी आती है। कैसे करोगे बताओ? संसार की सारी संपत्ति की औकात नहीं है आपकी बेरोजगारी भरते, घूमते रहो हेलीकॉप्टर लेके अपना पर्सनल तो भी नहीं भरेगी। तो अब धीरे से ये भी समझ में आता है कि पैसे की औकात कितनी छोटी है और दूसरे मानव की भी कितनी लिमिटेशन है। यदि मेरे भाव और विचार में कोई इनसिक्योरिटी है, इसमें दूसरा क्या करेगा बताओ? वो यात्रा तो मेरी है ना, वो यात्रा मुझको करनी होगी। तो इसलिए कहता हूं कि जब तक ये हमको क्लैरिटी नहीं बनेगी, तब तक हम दो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे। हाँ जी बढ़िया, कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी बढ़िया, आगे चले। हेलो। हाँ। हम लोग को सामने वाले को ऐसा बिहेवियर या कोई
ऑफिसर जैसा कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन हमें उनका साफ साफ इंटेंशन पता चलता है कि लिटरली हमें इंसल्ट या नीचा दिखाने के लिए ही वो ये एक्ट कर रहा है। हाँ। तो हमारा नेचर के हिसाब से हमें रिप्लाई या नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। देखो अभी ये फाइनली ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये सिचुएशन रोज नहीं होती है कि रोज कोई हमारे इंसल्ट करेगा। अब ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये एक दिन में नहीं आई, ये एक दिन में नहीं आई, ये कई साल की यात्रा के बाद आई। इसका मतलब है इतने साल जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है वो बहुत छोटी होती है। मिसहैंडलिंग की वजह से समस्या बड़ी हो जाती है, समस्या अपने में बड़ी नहीं होती है, मिसहैंडलिंग उसको बड़ा करता है। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को हम पहले से हैंडल नहीं कर पाए और अब ये नासूर बन गया। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे उसकी तैयारी थोड़ी सी आगे चल के बात करेंगे, तैयारी थोड़ी सी और आगे देखिए। सर मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ मैसेज ऐसा आया था कि बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे मनुष्य हो, विचार हो या काम हो। हाँ, पर इसका सोल्यूशन नहीं है ना। ये सारी बातें बहुत सारी जो लिखी हुई मिलती हैं ये जिंदगी में बहुत प्रैक्टिसेबल है नहीं। अब मान लो पति को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, मान लो दूसरा मिलेगा वो भी ऐसे ही मिलेगा तो क्या करोगे? और अकेले रहोगे तो कैसे चलोगे, कितना चलोगे? अकेले रहने की अपनी समस्याएं हैं, शादी करने की अपनी समस्या है। तो फिर बाद में पता चला ना शादी समस्या है ना अकेले रहना समस्या है, मैं ही समस्या हूँ। तो खुद को त्याग दो। अब खुद को त्याग दिया, पंखे का सदुपयोग कर लिया है ना, लटक गए, अब पता चला शरीर ही छूटा है, मैं वहीं का वहीं और समस्या पहले से और बढ़ गई है ना। तो कोई सलूशन नहीं है, फाइनली भाव और विचार को ठीक करना पड़ेगा। हाँ भैया एक प्रश्न। तो अगर मैं एग्जांपल दूं पिता पुत्र का, तो पिता ऐसा है, गोपी थे पिता जिसको उसको बच्चे को कुछ नहीं करना है मार्ग के बारे में जैसा भी आए, और बच्चे को 100 में से एक को 90 आते हैं और एक फेल होता है, और दोनों उम्मीद 100 में से 90 वाला उम्मीद एक जाता है कि मेरे पापा मुझे साफ करो, मैं सुन नहीं पाया। अब ये कल्पना से क्यों एग्जाम्पल लाते हो? फिर चलो बोलो बोलो आराम से बोलो धीरे धीरे। 100 में से 90% वाला उम्मीद लेकर जाता है कि मेरे पापा शाबाशी देंगे मुझे। एक बच्चा 100 में से 90 लेके आता है और वो पापा के पास जाता है। हाँ। और उम्मीद अपेक्षा लेके जाता है कि मेरे पापा मुझे शाबाशी देंगे। हाँ। तो पापा कुछ नहीं कहते मार्क के बारे में, उसको कुछ नहीं कहते। वो बच्चा आता है कि 90% आया है, पापा के ओके रेडी। और फेल होता है जो बच्चा, वो भी पापा के पास जाता है, पापा कुछ नहीं कहते, दोनों बच्चों का प्रभाव क्या पड़ेगा? तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी ऐसा लगता है? नहीं हुई, नहीं हुई। शादी के बाद समझ में आया और ऐसे नहीं। और पिता को बच्चे के बारे में कैसा रही है? नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। शादी करो, पढ़ाई से बच्चे को छोड़ दो, जो भी करेगा करने दो, ऐसा नहीं बोल रहा। हम पूरी जिम्मेदारी से ध्यान देंगे ही, लेकिन हमारे ध्यान देने का रिजल्ट पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए? पॉजिटिव आए। तो हम ऐसा करने का भी क्या फायदा कि रिजल्ट नेगेटिव ही आ रहा है? इतनी बात कह रहे हैं। ओके सर। तो जब फेल हो गया तो क्या करेंगे? 90 आए तो क्या करेंगे? जो करेंगे और अच्छा होने के लिए करेंगे। फिर एक समय वो आता है वो घुटने पे चलना शुरू करता है, फिर एक समय वो आता है वो धीरे धीरे दीवार पकड़ के खड़ा होता है और एक दिन चलने लगता है। ये सारे स्टेप एक दिन में हो गए, इसको होने में टाइम लगा। और ये किसी व्यक्ति की वजह से हो पाए या अपने आप हो गया? मानव का बच्चा यदि पैदा होने के बाद उसको संभाला नहीं जाएगा तो मर जाएगा। पशु का बच्चा नहीं है, मानव का बच्चा है। इसका मतलब मानव के बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है वो वही सीखता है। नहीं सिखाया जाएगा तो वो दो पैर से नहीं चलेगा, चार पैर वाला सिखाएगा तो वो चार पैर से चलेगा। ये तमाम एग्जाम्पल्स उपलब्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा बिस्तर पे लेटे रहने से चलना सीखता है तो उसको हम ये कहने की बजाय कि वो गलतियां करके सीखता है, ये भी एक भाषा हो सकती है, हमको ये कहें कि वो सही चलने के प्रोसेस में इवॉल्व हो रहा है। उसका गलती करना नहीं है, इवॉल्व होना है। जबकि सच्चाई क्या है? जब वो गलती करता है तो सोच के गलती कर रहा होता है कि वो तो सही चलना चाहता है, उस बीच में कुछ हो जाता है? तो भाषा क्या दिया जाए? तो एक बच्चा गलती करते हुए चलना सीखता है कि एक बच्चा चलने के लिए इवॉल्व होता है? सच्चाई यही है कि वो इवॉल्व होता है। वो कोई भी बच्चा अपनी तरफ से कोई गलती कभी नहीं करता है।
और जब गलती हो भी जाती है तो क्या बोलते हैं, गलती की है कि हो गई है, वो ओन ही नहीं करता है गलती को, भाषा में यही कहता है कि मैंने की नहीं है, हो गई है। लाइफ में सबके फेलियर आता है वो भी एक, हाँ तो अभी इसका इतना ही मतलब होना, पहले ये समझ लें कि अपन, इसका मतलब है कि हम सभी पूर्णता को पाना चाहते हैं, कंप्लीटनेस को पाना चाहते हैं, परफेक्शन को पाना चाहते हैं, परफेक्शन को पाने के प्रोसेस में इवॉल्व हो रहे हैं, और जिंदगी 0 and 1 नहीं है। इस बीच में कभी जब कभी वो स्टेप ठीक नहीं पड़ रहा है तो उसका नाम गलती है। तो मैं ये सोच के नहीं करता हूँ मैं इस बार गलती करूँगा और मैं गलती से सीखूंगा, ऐसा करता हूँ मैं तो हर बार सही करना चाहता हूँ। उस प्रोसेस में जब सही नहीं कर पाता हूँ, मैं तो हर बार सही करना चाहता हूँ पर हर बार सही नहीं कर पाता हूँ, जब हर बार सही नहीं करता हूँ उसको आप गलती का नाम दे देते हो। पर वही चीज से तो हम सीखते हैं, उसको हम गलती समझे कि मैंने गलती ये मैंने कहा कि प्रोसेस को देखें कि गलती शब्द देने की भी जरूरत है कि नहीं जरूरत है। दूसरी भाषा बताता हूँ, यदि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है तो क्या ये भाषा देना उचित नहीं है कि मानव ने आज तक जो भी किया है वो सुखी होने के लिए प्रयोग थे। गलती उसको क्यों कहा जाए? तो क्या किसी मानव को गलती स्वीकार है? क्या मानव को गलती स्वीकार है कि मैं गलती करूंगा? ऐसा स्वीकार नहीं है। तो मानव को सुखी होना ही स्वीकार है, सफल होना ही स्वीकार है, कंप्लीटनेस ही स्वीकार है, परफेक्शन ही स्वीकार है। तो बेसिकली मानव ने आज तक जो कुछ भी किया है उसने तो सुखी होने के लिए कोई प्रयोग किया है, उसने तो सुखी होने के लिए कोई प्रयास किया है, उसको सुख समझ में नहीं आता था, इसका नाम गलती है। आप एग्जिस्टेंशियली ऊपर से देखें, बर्ड व्यू से देखें कि हो क्या रहा है, वो तो यही रहा है कि वो तो अपनी तरफ से गलती करना नहीं चाहता है। तो अभी हमारे जहन में गलती इतनी गहराई से, नेगेटिव भाषा इतनी गहरे में बैठी है कि जो एग्जिस्टेंशियली प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया को भी हम नहीं देख रहे। तो एक बच्चा जब छोटा है, एक बच्चा बोलना सीखता है, वो तुतलाते हुए गलत बोलता है, क्या उस बच्चे को पता है कि मैं गलत बोल रहा हूं? वो हमेशा सही बोलने के प्रयास में है कि वो हमेशा गलती करना चाहता है? वो तो सही बोलने के प्रयास में है, सही बोलने के प्रयास में वो प्रयास सफल नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रोसेस है। जब वो सफल नहीं हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हमारी भाषा को हम ठीक कर सकते हैं, बेटा इस बार सफल हो जाओगे और करो। हम गलती गलती शब्द को भाषा से भी हटा सकते हैं, है ना? इसमें और अच्छा कर सकते हो, इसमें और बेहतर कर सकते हो। हम क्यों कहें कि तुम गलत कर रहे हो? तो मेरे को लगता है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, क्योंकि जब भी किसी मानव को अपने में गलती, मुझसे गलती हुई है, ये उसको स्वीकार ही नहीं होता है। तो मानव तो परफेक्शन के साथ ही जीना चाहता है, सफलता के साथ ही जीना चाहता है, सफलता के लिए ही प्रयास करता है, लेकिन सफलता आने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के दौरान जब जब वो परफेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है हम उसको गलती का नाम देते हैं। देखिए इसको भाषा को कैसा ठीक कर सकते, क्या लगता है? फिर दूसरी बात यह है कि हम अपने बिजनेस को करते हुए, किसी भी काम को करते हुए जब भी अधूरेपन, उसको अधूरापन है, तो जब भी मैं वो अधूरेपन से मैं दर्द करता हूं कि ये स्टेप ऐसे नहीं होना था तो उसको मैं सीख के ठीक कर देता हूं। हम एक भी काम ऐसा नहीं सीखते जो हमने गलती से सीखा। बिजनेस पहले से हो रहा था, हम बिजनेस में शामिल हो गए, लोग चल रहे थे, हम चलने में शामिल हो गए, लोग बोल रहे थे, हम बोलने में शामिल हो गए, खाना बन रहा था, हम भी खाना बनाने में शामिल हो गए, संबंध में नहीं जी रहे थे तो आज तक नहीं हुआ। संबंध में गलती करके, संबंध में गलती करके सीखो, कैसा सीखते हो देखें, संबंध में गलती करके सही को सीख के देखो। गलती करते करते इतनी गलतियां किया है कि संबंध में जीने से भागने की तैयारी कर लिया, यहां पहुंचे। सर
जैसे आपने बिजनेस की बात की, बिजनेस में कोई ने मार्केटिंग कोई तरीके का किया वो गलत हुआ, इसके कारण कंपनी को लॉस, ठीक है, क्योंकि कोई पहले से कर रहा है, क्योंकि पहले से कोई चीज की परंपरा पहले से बनी हुई होती है, उसमें बहुत सारी चीजें हमारी पहचान में होती हैं, और गलत किया का मतलब है कि रिजल्ट नहीं आया, तो दोबारा आदमी सोचेगा ही, तो वो गलती करने के मूड में था कि हमेशा सही करने के मूड में था, इतना क्यों नहीं पकड़ते, वो तो करने के बाद पता चला कि ये सही नहीं हुआ, उसने तो सही सोच के ही किया था, जब किया था तो गलत सोच, मैं आज गलती करने निकलने, मैं आज गलती करने जा रहा हूँ, ऐसा किया क्या, ऐसा नहीं किया। ये जो बोल रहे हैं ये मेरे जीवन में घटी घटना है, पिछले 20 सालों से दाल मिल के बिजनेस में है, दाल मिल का मतलब मिलिंग होता है, तो 2012 में हमने 6 करोड़ का मूंग रखा था, स्टॉक हो गया, वो मिलिंग नहीं हुई, 6 करोड़ का स्टॉक था, यस, मतलब मिलिंग है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक इज डिफरेंट, तो उसमें वो मेरी गलती, जैसे वो बोल रहे हैं ना, वो गलती लगती है, वो गलती नहीं, मुझे सिखा के ना भाई, यार आप दाल भी चला रहे हो तो मिलिंग है वो। मेरे को लगता है देखो, जिंदगी समझ में आई होती तो कुछ ऊर्जा जिंदगी में गई होती, जी जी। हमको एक ही चीज समझ में आई है, प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट, और इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर चाहे उसमें कितना ही गलत कर लें, कितना ही पॉजिटिव कर लें, यार दाल में चला रहे हो, सुखी रहो यार, अपने बच्चों पे ध्यान दो बाकी, और समाज में कुछ अच्छा करो, अपने को प्रॉफिट के अलावा कहाँ कुछ समझ में आया, अब ये कर रहे हैं तो और बढ़ा लो, ऐसे करके बढ़ा लो, ऐसे करके बढ़ा लो, इसके सिवा कुछ सोच नहीं है, जबकि जिंदगी कुछ और है। तो पिछले 10 साल से हमने जिंदगी समझ में आई होती तो बिजनेस संतुलित हुआ होता, हमने परिवार के कॉस्ट पे बिजनेस किया है, अपनी जिंदगी की कॉस्ट पे बिजनेस किया है, और लास्ट में मुट्ठी खाली है, भाई साहब 22,000 करोड़ वाले बिजनेस को देख रहा हूँ, लास्ट में मेरे से कहता है भैया हमारे बच्चे ले जाओ इसी काम में लगा दो, मैंने बहुत जीरो लगा ली, कुछ नहीं निकलता इस जीरो लगाने से, 22,000 करोड़ वाला कह रहा है। सोचेगा उसके बाद 22,000 करना की नहीं करना, और 22,000 क्यों किया था जिंदगी, एक मिनट देखो उसको समझो, जिंदगी सेंटर में हो, जॉब सेंटर में हो, उसके चारों तरफ जिंदगी है, ये मॉडल ठीक है कि जिंदगी सेंटर में हो, उसके चारों तरफ जॉब हो, ये ठीक है, पहला मॉडल, दूसरा मॉडल, कौन सा मॉडल ठीक है, क्योंकि जिंदगी तो निरंतर है, जॉब बदलती रहती है ना, हम कौन सी जी रहे हैं, पहला वाला, कितने लोग सहमत है इस बात से, और मैं सहमत नहीं हूं, आप कौन सा जी रहे हो, बीच में भी जॉब है, बाहर भी जॉब है, आप ये जी रहे हो, खाना बनाना भी एक जॉब है, बच्चे पैदा करना भी एक जॉब है, और बच्चों को खाना खिलाना भी एक जॉब है, जब तक जिंदगी नहीं है इसमें से कुछ भी जॉब नहीं, कुछ भी जिंदगी नहीं, जिंदगी का मतलब ही क्यों जीना है, कैसे जीना है, जब तक क्यों जीना है, कैसे जीना है कि क्लैरिटी नहीं है, एक आदमी कमाने का जॉब कर रहा है, एक आदमी शरीरों को पालने का जॉब कर रहा है, और दोनों को अपनी जॉब से तृप्ति नहीं मिलेगी, ये नियम है, कुछ भी करके देख, हम खड़े वहां पे मानते हैं कि इसको जिंदगी है, जिंदगी जैसा वो नहीं है, जिंदगी होती तो कुछ और बात होती, इसका कुछ प्रमाण है कि ये कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के आधार पर हम पूर्ण होके भी गलती नहीं करेंगे, ये देखो कितना दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया होगा, जब इतनी सी चीज के बारे इतनी निश्चितता, पूरी जिंदगी में कल्पना में भी एक बार ये ख्याल नहीं आएगा कि पानी के अलावा कोई और चीज कल्पना में भी ले आओ, जब इतनी सी बात सेट हो गई तो पूरी जिंदगी समझ में आने से क्या सेट नहीं हो जाए। अच्छा दूसरा ये पूछो, मानव गलती के साथ जीना चाहता है कि गलतियों से मुक्त होना चाहता है,
एक मानव ऐसा है कि सभी मानव ऐसे हैं, इसलिए मुक्त हो सकते। यदि मानव गलतियों से मुक्त नहीं हो सकता है और मानव प्रकृति का इंटीग्रल पार्ट है, इसका मतलब प्रकृति का डिजाइन ही गलत है, क्योंकि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और मानव गलतियों के साथ जीने के लिए बाध्य है, तो प्रकृति अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होती है। मानव सबसे विकसित प्रकृति है। गलती होना तो दूर भाई जी, कल्पना में नहीं आएगा। यही आशा की किरण है। हम इस गलती के कलंक से मुक्त होना चाहते हैं। और हर व्यक्ति, दुनिया को पता थोड़ी चलता है मेरे भाव और विचार में क्या गलतियां होंगी, तो मुझे को पता चलता है, फिर भी उसकी कितनी पीड़ा होती है। तो मैंने एक्शन में कोई गलती नहीं की है, सपने में भी गलत सपना देख लिया, कैसा लगता है? किसी को पता थोड़ी है। तो किसी को पता है, मैं इसलिए गलतियों से मुक्त होना चाहता हूं कि गलती बराबर दुख है और मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं। मुक्त हो सकता हूं, इसलिए इतनी मेहनत परंपरा में हो रही है, हजारों साल से हजारों लोग जिंदगी भर इस काम में लगाए कि इससे मुक्त हुआ जा सकता है। सर थोड़ा, मेरे 40 साल से हम जो टीवी देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, तो स्टेज पे ये बात होती है, अगर रतन टाटा ने बोला है कि मैं गलती नहीं किया होता तो मैं ये स्टेज पे नहीं होता, अभी ये हमारी एक कंडीशनिंग हो गई है। पर रतन टाटा को पूछो कि जब उसने गलती की तब वो सोच के बैठा था कि मैं गलती करूँगा, ये नहीं था, तब वो तो सही कर रहा था, उसको तो सही लग रहा था, फिर पता चला कि ये इवोल्यूशन के प्रोसेस में लग रहा था कि भाई ये मेरे से गलती हुई है, पर पहले पता नहीं था कि वो गलती करने जा रहा है, वो तो इवोल्यूशन प्रोसेस में सही कर रहा था, फिर जब उसको ऐसा लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, मेरे कुछ किया है उससे गलत है, उससे ऐसा कुछ बेटर कर सकते हैं, तो जब भी कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो आई फील आप इवोल्यूशन प्रोसेस में आपने सही से वर्ड यूज़ किया कि इवोल्यूशन बेटर कर सकते हैं उससे, तो हमारी कंडीशनिंग लोगों को सुन के ये हो गई है कि गलती नहीं की होती ना तो हम यहाँ पर ये स्टेज पर नहीं होते, पर ऐसा हुआ ही नहीं है, ये बेसिकली वो सही कर रहे हैं, वो टाइम पे तो वो सही कर रहे हैं, पर बाद में पता चला कि भाई ये शायद कहाँ ना कहाँ मैं। अच्छा, मेरे को एक कंफ्यूजन पकड़ में आ रहा है, जिसकी वजह से किसी प्रक्रिया में कंप्लीटनेस को पाने का एक तो भाषा वही है कि हम कह रहे हैं कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं कि हम गलतियों से सीख रहे हैं, तो यहाँ ये भाषा ठीक है। लेकिन मैं पहले अपन हम रेफरेंस लाइन वहाँ पे खींचे थे, यदि मानव जाति में भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा होता तो फिर मैं गलतियां कर करके भाषा बना देता क्या, है ना? तो एक तो ये कहने का आशय है कि हम सब कोई एक भाषा बोलते हैं, इसलिए कोई उस भाषा को सीख लेगा। गलती करने से आदमी नई भाषा नहीं बना देता। अब ये भाषा कितने साल में बनी होगी? जब शुरू में ये भाषा बनी होगी तो इसको हजारों साल लगे होंगे। आज इस भाषा को सीखने में एक बच्चे को कितना समय लगता है? 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि जिन चीजों की परंपरा धरती पे उपलब्ध है, हम उस परंपरा से सीखते हैं, गलती करके कोई नई चीज नहीं सीख लेते। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं, जो चीजें परंपरा में उपलब्ध हैं उनमें परफेक्शन तक जाने के लिए, हम तो परफेक्शन के लिए ही कुछ करते हैं, लेकिन जब जब परफेक्शन को नहीं पा सकते हैं, ना नहीं पा पाते हैं, सफलता को नहीं पा पाते हैं, हम उनको गलतियों के रूप में पहचान देते हैं और ये गलती नहीं करना है ऐसा पहचान देते हैं। तो दोनों भाषा दे सकते हैं, हम गलतियों से सीखते हैं इस वाले पार्ट में, ऐसा भी बोल सकते हैं, और हम परफेक्शन के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और एक बार में परफेक्शन नहीं पा सकते हैं, तो प्रोसेस है, परफेक्शन तक पहुंचने का प्रोसेस है। इसमें मैं एक चीज और समझता हूँ, कि एक तो इवोल्यूशन वाला पार्ट आपने कहा, जो दूसरी गलती जब हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और ऑनेस्टली एनालाइज करते हैं, उससे हम समझते हैं। भाई आपको पता कैसे ये गलती है जब तक आपके वो रेफरेंस नहीं है? जब तक मेरे पास फेल हुआ तो मेरे को लगा कि ये सही नहीं हुआ। हाँ, तो फेल हुए ये पता कैसे चला?
बस रेफरेंस सही का मौजूद है तब तो पता चला हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर दिया हमारा तो आंसर ठीक ही आ गया, और जब वो आंसर मैच नहीं हुआ तब पता चला यार ठीक नहीं है। तो सही मौजूद है, उस रेफरेंस मौजूद है सही का, तब गलती का पता चल रहा है। तो गलती का पता भी कैसे चलेगा सर? ये मैंने तो व्यवहार किया ठीक ही किया, सामने वाला रोना गाना शुरू किया, मैं क्या कर दिया तो बताता तुम ये गलती की हो। तो कई बार तो लगता पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या गलत किया है। जब रिजल्ट ठीक नहीं आता है तब मुझको लगता है कि अच्छा कुछ गलत हुआ है। हाँ जी, मैं अनुभव से ये सीख रहे हैं। हाँ। वो भी यूज कर सकते हैं, इट्स स्लाइटली मोर पॉजिटिव। हाँ, बेसिकली हाँ। वहाँ गलती कहीं है नहीं। Exactly, because वो और हमारी कंडीशनिंग इतनी गहरी हो गई है, अपराध बोध इतना गहरा हो गया है, और नेगेटिव शब्दों का यूज इतना ज्यादा हो गया है कि वो हावी हो गया। सो आई एक्सपीरियंस दिस, देयरफॉर आई हैव लर्नड। बस बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, जैसे मैं जिस जॉब में हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो वहाँ जॉब में आने का पर्पस कोई पैसा या जॉब करना भी नहीं था, है ना। बहुत ज़्यादा पर्पस ये था कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, कुछ करना है सोसाइटी के लिए, कुछ करना है। तो वो एक एक मिशनरी एक वो चलता रहता था, और उस वजह से चूज़ किया कि भाई यहाँ यहाँ जाके हम कुछ कर सकते हैं। फिर बहुत ही इंटेंसिटी के साथ जॉब करी, यानी सब कुछ लगा के, मतलब जो मैंने बताया था कि पहले आप अपना बैकग्राउंड बता दो ताकि समझने में अच्छा रहेगा। आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, ठीक है, और समाज में कुछ अच्छा करने का इतनी तीव्र इच्छा कि यदि शादी भी उसमें बाधा है तो उसको भी नहीं किया जाए, और पूरी ताकत के साथ यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाते हैं तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, आगे की कहानी। तो अभी आपने ये जो जॉब और जॉब सेंटर में भी जॉब है और साइट में भी जॉब है, मतलब चारों ओर भी जॉब है, तो वो मेरी अभी आंखें भर गई थी क्योंकि मैं यही कर रही थी। 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे क्लिक हुआ कि जो पीछे मैं जितने साल करके आई, क्योंकि आपका हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उन 2-3 साल में जहाँ आप थे वहाँ आप कुछ कुछ करके आए। अब आप फर्स्ट पोस्टिंग वाला भी 3 साल वाला देख रहे हो कि वहाँ मैंने इतना डाला और वो कितना सस्टेनेबल है। तो मुझे दिखने लग गया कि ये सब बेकार है, मतलब वो मेरे 3 साल वेस्ट गए। जो सिस्टम मैं बना के आई, जो कुछ मैं करके आई, वो सस्टेनेबल नहीं है। आगे जहाँ मैं कर रही हूँ वहाँ पे भी मैं हमेशा ही स्ट्रगल में हूँ, क्योंकि आपका आप बहुत ही मिशनरी भाव से उस काम को कर रहे हो, आपका स्टाफ, मतलब आपको ऊपर वाले भी दुखी हैं आपसे और आपके नीचे वाले भी दुखी हो। और फिर आप करके, फिर मैं हठी बहुत हूँ तो करके भी आई, उसके बावजूद उसकी सस्टेनेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे 2019-2020 पूरा ही मेरा एक डिप्रेशन वाला पीरियड रहा कि ये क्या गलती कर दी, क्योंकि वो जो आइडिया ऑफ हैप्पीनेस था वो सोसाइटी से ओरिएंटेड था मेरा, कि भाई ये ऐसा करने से सोसाइटी ठीक हो जाएगी, ये करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से ठीक हो नहीं रहा था और सही का रेफरेंस पता नहीं चल रहा था। तो जो मेरा पहला शिविर था पाली यही था, पालीताना में ही था, और आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, बट मैंने जब संज्ञानशीलता पहले दिन ही खुला तो मेरे सारे सवाल अगले 7 दिन मैंने आपका बहुत माथा खाया, संज्ञानशीलता। लेकिन वो पहले ही शिविर में मैं मतलब एकदम रिजॉल्व हो गई, मतलब अच्छी नींद आने लग गई थी और बहुत ही चेंज आ गया माइंडसेट में, मतलब बहुत शिफ्ट हो गया, एकदम शिफ्टिंग आई। उसका रीज़न ये रहा कि वो जो वो समीक्षा पहले हो गई, तो मैं ये जो गलती और उसको कि वो गलती नहीं थी, अगर ये सब मैं नहीं करती, उस डेडिकेशन के साथ मैं लगी हुई नहीं होती, तो मैं इसको कंक्लूड भी नहीं कर पाती 7 दिन में। तो मैंने एक ही शिविर में उसको कंक्लूड कर लिया कि ये जो संवेदनशीलता के तहत हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे चेंज नहीं होगा, चेंज तो उसके आगे कुछ होगा। और उस संज्ञानशीलता को मैं उस एक ही शिविर में पकड़ पाई थी। तो गलती नहीं है, वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जो उससे पहले जो 2 साल वाला जो मेरा पीरियड गया कि मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, बहुत ही सोच रही हूँ कि अब क्या करना है, मेरे पूरा एक क्वेश्चन मार्क आ गया था मेरी लाइफ में कि यार ये सब तो इसका कुछ हो नहीं रहा है, और नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट, करना क्या है, वो 7 दिन में रिजॉल्व हुआ। तो वो 7 दिन में रिजॉल्व इसीलिए हो पाया कि वहाँ मैंने वो सब उस प्रोसेस में मैं इंटेंसली घुसी और उसको करके देखा। तो वो गलती नहीं है, वो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ही है, लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस। समीक्षा का मतलब है अधूरेपन के अधूरेपन को स्वीकार पाना। अभी हम अधूरेपन के साथ सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, अधूरेपन को सफलता मान के, है ना। तो संज्ञान संवेदनशीलता अधूरा है ना, और किसी जॉब विशेष में जाके हम सफल हो जाएंगे, किसी पद विशेष को पाके सफल हो जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है।
आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी बना देंगे तो भी कुछ भी होने वाला नहीं। यदि मानसिक मानसिक और भावनात्मक ट्रांस यदि आदमी की समझ नहीं होगी तो चाहे हम घर के मुखिया हैं कि राज्य के मुखिया हैं, सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा पिछले 15-20 सालों में हमने खूब देख लिया। उससे हमारा अहंकार ना बढ़े, वो एक उधर वाले पार्ट में ठीक लगता है, वहाँ तक ठीक लगता है, लेकिन यदि यदि हम अपनी चीज़ों के रिजल्ट को, मेरे एफर्ट अपने आप में और इवॉल्व कैसे होंगे, मेरी मानसिक प्रक्रिया, मेरे एफर्ट कंप्लीटनेस की ओर कैसे जाएंगे, इसकी आगे की जर्नी कैसे होगी, तो मेरे रिजल्ट ही बताते हैं कि कितना कम रहा कितना ज़्यादा रहा। बट इसमें भी काफ़ी काम ऐसे होते हैं जिसमें रिजल्ट काफ़ी सालों बाद पता चलते हैं। आदमी की जीवन की यात्रा तो अमर है। वो लाइन ऑफ थॉट कि मैं खुद के कॉन्शियंस के साथ मैं सही कर रहा हूँ, समाज के लिए अच्छा कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, जैसे मैम ने बताया था, फिर शायद वो सस्टेनेबल नहीं रहा वो, क्योंकि क्योंकि हमारी मानसिकता में सस्टेनेबिलिटी नहीं है। इसलिए तमाम नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट जब शिविरों में आते हैं तो पहली बार उनको डेवलपमेंट डिफाइन होता है। डेवलपमेंट जमीन पे नहीं होता, डेवलपमेंट आदमी की मानसिकता में होता है। जब तक हम इस डेवलपमेंट को नहीं करेंगे ना हमारी ज़िंदगी चलेगी, ना हमारा परिवार चलेगा, ना ये समाज चलेगा, ना ये देश चलेगा। खूब करके देख लिया, ठीक। हमारे को मेरे को 25 साल पहले कितने में 92 में मैंने जॉब से रिजाइन किया। 6 साल मैंने स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कपार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 6 साल सबके साथ जम के काम करके ये समझ में आ गया कि यह गाड़ी ऐसे नहीं जाएगी और प्रॉब्लम मानसिक है और मानसिक चीज़ें हैंडल नहीं होगी तो चीज़ें नहीं मिलेगी। संयोग से दर्शन मिल गया। तब भैया ना हमारे पास कोई सुनाने वाला था, ना हमको ये पता था इसका करना क्या है, लेकिन ये बात समझ में आ गया कि रास्ता ठीक है। 20 साल नॉन स्टॉप चुपचाप लगे हुए हो गए, कोई फर्क नहीं। दुनिया कहती है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है या तुम्हारे काम से क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया इतनी बड़ी है, हमको पता है इससे फ़र्क पड़ेगा, हमारे रहते रहते नहीं पड़ेगा, हमारे जाने के बाद पड़ेगा। जब आदमी को विज़न दिखता है, जब आदमी को विज़न दिखने लगता है, कोई चीज़ दिखने लगती है, तो चाहे उसका रिजल्ट 50 साल बाद आएगा, उसको दिखता है कि आएगा। तो शरीर यात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, और जिन कामों को हम और आप सोच रहे हैं ये काम कोई 2-5 साल वाले नहीं है, इसमें रिजल्ट ऐसे ही आता है। इसी में ट्राइबल जो बैकवर्ड होते हैं कम्युनिटीज़, आपने तो रहा तो रहे भी हो, तो उनकी भी ये बैकवर्ड मेंटल सोच है या वो नहीं है? देखो सभा को बहुत बढ़िया से बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक की टीम बस्तर गई आदिवासियों के कल्याण के लिए उनको फंड देने, ठीक, उसमें इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते ही हैं, तो उन्होंने वो इंडिया वाला एक्सप्लेन कर रहा था कि हम भारत सरकार से हैं और हम तुम्हारे विकास के लिए तुमको पैसा देना चाहते हैं। आदिवासी कहता है कि मैंने सुना है भारत सरकार कर्जे में है। बोले हाँ। बोले तुम खुद ही कर्जे में हो, हमको क्या पैसे दोगे? एक आदिवासी ने कहा, तो एक आदिवासी कहता है कि तुम खुद कर्जे में हो, हमको तुम क्या कर्जा दोगे? तो उसको बैकवर्ड कहे कि फॉरवर्ड कहे? वो तो बहुत आगे है। तो बैकवर्ड का मतलब क्या है? हमारे ऐसी कार उसके पास नहीं, हमारे जैसा घर उसके पास नहीं, वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो हो सकता है वो हमसे मानसिकता में फॉरवर्ड होगा। तो जब तक मानसिकता का रेफरेंस नहीं आएगा, अब वो आईएम में सिलेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो फॉरवर्ड नहीं है। तो जब तक मानसिकता का कोई फ्रेमवर्क नहीं आएगा, उसका कोई यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं होगा, तब तक हम किसको फॉरवर्ड बोलें, किसको बैक? ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण है? पढ़े लिखे लोग के कारण है कि अनपढ़ लोग के कारण है? इनको विकसित कहा जाए कि अविकसित कहा जाए? खत्म। एक पूरा नया दौर आने वाला है और अगले 20 साल में आपको दिख जाएगा, जब ये तमाम एग्जिस्टिंग मापदंड रीडिफाइन होंगे, सक्सेस रीडिफाइन होगा, व्यक्ति रीडिफाइन होगा, राज्य रीडिफाइन होगा, एजुकेशन रीडिफाइन होगा, ये पूरा लोकतंत्र रीडिफाइन होगा। 20 से 50 साल का सफर लगेगा।
इतनी मेहनत करके काय को आदमी इतना रोने लगाएगा भाई, इतनी मेहनत करके इतना उदासी क्यों पाएगा? मेहनत करके बुलंद होगा और युवा पीढ़ी उसको देखेगी, ऐसा जिया जा सकता है। अब हमको देख के युवा पीढ़ी को नहीं लग रहा यार ये जीने लायक मॉडल है। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को मैं देखता था, मैं 22 साल में जॉब शुरू किया, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को देखता था, मेरे को लगता था मेरे को इसके जैसा नहीं होना है, कैसा होना है ये पता नहीं था, लेकिन मैं 35 साल लगा के इसके जैसा नहीं होना चाहता। तो हमको ये तो पता चलता है कि ये नहीं ये नहीं, तो हमारे बच्चों ने क्या किया है, मेरे को मेरे मम्मी पापा जैसा नहीं बनना है, मेरे को मेरे टीचर जैसा नहीं बनना है, लेकिन कैसा बनना है? फिर कोई एलन मस्क दिख जाता है ना। तो किसी व्यक्ति का कोई एक साइड बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन जिंदगी की दूसरी साइड इतनी बेहतर ऐसे जरूरी नहीं है। तो जब तक जिंदगी का एक बैलेंस मॉडल हमको नहीं मिला, इतना टर्नओवर सबका होगा तब आप सक्सेस कहलाओगे। सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? तो सब तो एलन मस्क नहीं हो सकते, इसका मतलब सब सफल नहीं हो सकते हैं। और तुम्हारी दम है तो इस धरती को बचा के दिखाओ ना भाई, किसी में दम है तो इस धरती को बचा के दिखाएं। हम चांद पे जाके बस्ती बसा देंगे, वहां सूसु साफ करके पिएंगे, यहाँ अच्छा पानी पहले से उपलब्ध है। तो हम भी कोई भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। चलो कंक्लूड कर लो। हाँ जी, क्या बात है, डिस्कशन बहुत लंबा जाए। तुम्हारे 5 दिन के लक्षण नहीं है, 10 दिन के लक्षण है। विकास क्यों करना है? ताकि संतुष्ट हो जाए। अभी फंस गया, ऐसी जिंदगी फंसी हुई है। गुड। हाँ जी, तीसरा इससे बहुत क्लियर कंक्लूजन आता है। हेलो, हाँ आप बोल रहे थे हर मानव अपने महत्व और उपयोगिता को जानकर प्राप्त होता है उसके। एक मिनट, आपकी आवाज़ ठीक से, थोड़ा सा जोर से बोले। नहीं, माइक ठीक है, आप थोड़ा जोर से बोले। अब आ रही है आवाज़? हाँ, आपने बोला था हर मानव अपने महत्व और उपयोगिता को जानकर तृप्त होता है जी, उसके आगे भी कुछ आप बोल रहे थे। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, अपनी उपयोगिता को जानकर तृप्त होता है। जब तक अब मानव समझ में नहीं आएगा तो उपयोगिता अभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये सूत्र है, अभी भी हमने यदि पैसे को उपयोगिता माना है तो पैसे कमा के तृप्ति पाने का प्रयास किया है। इसके आगे भी कुछ कह रहे थे है? ऐसा शायद मैंने लिखा नहीं, और भी एक लाइन थी, याद नहीं उस समय क्या बोला। हाँ जी, तीसरा पॉइंट मेरे को लगता है और कंक्लूड करने के लायक है। अभी हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? हमको शरीर दिखाई देता है, स्त्री पुरुष दिखाई देता है, गोरा और काला दिखाई देता है, मानव दिखाई देता है, मानव दिखाई नहीं देता है। अभी हमको मानव की समझ भी नहीं है, इसलिए मानव को देखने की हमारी योग्यता भी नहीं है, इसलिए हमको शरीर दिखाई देता है, मानव दिखाई नहीं देता है। मानव देखने की पहली योग्यता क्या दिखाई दे गया? क्या दिखाई दे गया? अब हर मानव को देखता हूं तो कैसा दिखाई देता है? सुखी होना चाहता है ना? और कितना सुखी होना चाहता है? हमेशा निरंतर। तो धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है, धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है और वो निरंतर सुख है। धरती के सभी मानव सुख की निरंतरता पाना चाहते हैं, सबकी मंजिल एक है, हम सब एक ही राह के यात्री हैं। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हम सब एक ही राह के यात्री हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपस में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगपन, एक अपनेपन का एहसास, एक अपनेपन का एहसास, एक अपनापन है ना, मेरे ही जैसा है। क्या फर्क पड़ता है स्त्री है कि पुरुष है, 20 साल का है कि 80 साल का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी देश का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्लेनेट पे कहीं भी मानव दिखाई देता है तो मैं अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाता हूँ कि मेरे ही जैसा है, हम सबकी मंजिल एक है ना, एक अपनेपन का विस्तार। अभी हमारा अपनापन कहाँ तक है? अभी अपना अपनापन खुद तक भी नहीं है, परिवार में तो छोड़ दो। तो अभी हमारी मानसिक गरीबी का इतना ही मतलब है,
अभी मैंने खुद को भी नहीं स्वीकारा हुआ है पूरा का पूरा, अपने को भी किसी अधूरेपन में स्वीकार किया है। आवश्यकता इस बात की है कि सब कुछ स्वीकार हो जाए, अस्तित्व पूरा स्वीकार हो जाए और मानव भी उसकी पूर्णता के साथ स्वीकार हो जाए, तो जैसे जैसे मानव की समझ बनेगी तो मानव की स्वीकार्यता बढ़ेगी, अपने प्रति अपनापन बढ़ेगा। अभी अपने प्रति भी अपनापन कैसा है, कभी अपने पे प्यार आता है और कभी तिरस्कार भी आता है, कभी गिल्ट फीलिंग भी आती है। इसका मतलब है अभी अपने साथ भी अपनापन पूरा नहीं है। अपने साथ अपनापन ना होने का मतलब खुद को प्यार ना करना, अपने साथ अपनापन होना, अपने को पूरी तरह स्वीकार कर पाना का मतलब है खुद को प्यार करना। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो दूसरों को भी प्यार करते हैं, इसलिए कहा कि जिसकी अपने से बात हो गई उसकी अपनों से बात हो जाती है, और जिसकी अपनों से बात नहीं हो पा रही है इसका मतलब है कि अपने से बात करना नहीं आता है, खुद से बात करना नहीं आता है, खुद से प्यार हम नहीं करते हैं, अपने अस्तित्व पे सवाल खड़ा होता है, अपने जीने पे सवाल खड़ा होता है। बढ़िया, तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है कि मेरा खुद पे, तो मूल चाहत के रूप में सभी समान हैं इसलिए सबके साथ एक अपनापन आता है। तो मेरे को लगता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी कुछ पॉइंट जोड़े ही जा सकते हैं, लेकिन एक बात पे हमने चर्चा की कि धरती के सभी मानव जो कुछ भी करते हैं सुख की तलाश में करते हैं। लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया। इस पूरी चर्चा से आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, है ना, किन घटनाओं की तरफ आपका ध्यान जाता है, कहाँ ये समझ में आता है कि इसको बेहतर हैंडल किया जा सके।